तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दें। दोस्तों, सुख और दुख मनुष्य के जीवन के अविभाज्य अंग है। मनुष्य सुख समृद्धि और ऐश्वर्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करता है, लेकिन कई बार निष्ठा और लगन से कार्य करने के बाद भी व्यक्ति को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। असफलता का असर घर के माहौल पर भी पड़ने लगता है। वाद विवाद कलेश कलह बढ़ जाते हैं। पर्याप्त धन की प्राप्ति ना होने से घर में आर्थिक संकट पैदा होने लगती है। पैसों की किल्लत का असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और रिश्तों में खटास आने लगती है। इससे घर और समाज में व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है। ऐसी चिंतापूर्ण स्थिति का कारण आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने से कई तरह की परेशानियां लगातार घेरने लगती है। इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय कर सकते हैं, लेकिन सही उपायों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बृहस्पति को प्रसन्न करके सुखमय जीवन, संपन्नता, मान सम्मान आदि की प्राप्ति की जा सकती है। बृहस्पति को 9 ग्रहों में गुरु की उपाधि मिली है। बृहस्पति को 100 भाग्यशाली ग्रह और मंगलकारी देवता के रूप में जाना जाता है। 5 तत्वों में आकाश तत्व का आधिपत्य होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक और विराट होता है। बृहस्पति की आराधना आपका इन संकटों के चुंगल से पीछा छुड़ा सकती है। देवगुरु बृहस्पति पीले रंग के कार्यग्रह हैं, तो माना जाता है कि उन्हें पीले चीजों को अर्पित कर जीवन के कष्टों को दूर किया जा सकता है। घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली हल्दी का ज्योतिष में विशेष महत्व है। हल्दी का प्रयोग पूजा पाठ के दौरान भी किया जाता है। ज्योतिष में हल्दी का संबंध बृहस्पति से माना गया है। गुरुवार के दिन हल्दी के आसान उपाय करके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे हल्दी के कुछ ऐसे उपाय जो आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु इस सृष्टि के तारनहार है। भगवान विष्णु की प्रिय वस्तु में से एक है हल्दी। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर करें। हल्दी से उनका तिलक करें, उन्हें पीले फूल और फलों का भोग लगाएं। कभी अकेले भगवान श्री हरि की पूजा ना करें, साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। पूजा में बेलपत्र माँ लक्ष्मी के चरणों में जरूर अर्पित करें। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होकर जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यश, कीर्ति, मान सम्मान में वृद्धि होगा। पूजा के समय अपने कलाई में या कंठ पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाना बृहस्पति की कृपा दृष्टि पाने में मददगार होता है। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान किया जाए तो बृहस्पति की स्थिति मजबूत होकर विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। इससे नौकरी व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त होती है। स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित कर इस जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करेंगे तो आपका गुरु बेहतर होता है और जीवन सुखमय तरीके से गुजरता है। इससे पहले भी हमने बता चुका है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन झाड़ू लगाने के बाद पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर उस पानी का पूरे घर में छिड़काव कर दे तो घर शुद्ध हो जाएगा। नित्य भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद हल्दी और चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगा ले। किसी भी शुभ कार्य हेतु घर से निकलते समय इस उपाय को अवश्य करें, उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगा। घर की आर्थिक समस्याओं को दूर करने हेतु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार को हाथ में हल्दी और अक्षत लेकर ईश्वर के प्रति सच्चा श्रद्धा भाव रखते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपको आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगा ही मिलेगा। आपके सभी कार्य निर्विघ्न तरीके से पूर्ण होते नजर आएंगे। वास्तु दोष की आशंका होने पर हर गुरुवार के दिन अपने कमरों के कोने में हल्दी को छिड़कें। इससे वास्तु दोष दूर होता है। घर के आहत के सामने वाली दीवार पर हल्दी से एक रेखा बना दे। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। इसके साथ ही हर गुरुवार के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से हल्दी के स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं।
या फिर थोड़े से चावल गीले करके उसमें हल्दी मिला दे और इससे घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाए। ज्योतिष में इस मांगलिक चिन्ह को प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संपन्नता और प्रगति का प्रतीक माना गया है। ये आपके घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। स्वास्तिक के प्रयोग से धन वृद्धि, गृह शांति, वास्तु दोष निवारण और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कईयों के जीवन में विवाह संबंधित समस्याएं आती है। कभी कुछ छोटे मोटे कार्यों से या विघ्नों के कारण विवाह होने में अड़चने आने लगती है। ऐसे में आप तुलसी के पत्ते पर हल्दी लगाकर श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर उनसे विघ्न निवारण की प्रार्थना करें। शीघ्र ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे। बाद में इस तुलसी के पत्ते को मिट्टी में दबा दीजिएगा। गुरुवार के दिन कई लोग व्रत रखते हैं, सभी नहीं रख पाते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन सभी लोग कुछ चीजों से परहेज जरूर करते हैं। गुरुवार के दिन सात्विक भोजन ही करें, मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन ना करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन पूरे सफाचट सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, काले और नीले रंग के कपड़े भी ना पहने, और अगर दाम्पत्य जीवन में समस्या हो तो लाल रंग के कपड़े भी ना पहने। लाल रंग क्रोध को बढ़ावा देता है, व्यक्ति को उत्तेजित कर देता है, तो इन चीजों से बचें। गुरुवार के दिन भूल से भी किसी को पैसे उधार ना दे, जहां तक हो सके गुरुवार के दिन पैसों के लेन देन से बचे। गुरुवार को शाम के समय जब आप दिया बाती करेंगे तो उस समय दीपक में दो लौंग डालकर जलाइएगा, और गुरुवार शुक्रवार दोनों दिन घी का ही दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती है। गुरुवार के दिन हल्दी का दान करने से सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ ठोकरें ही मिल रही हैं, चारों ओर असफलता ही असफलता नजर आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि किस्मत ही साथ छोड़ चुकी है। तो ऐसे में हर गुरुवार को श्री हरि विष्णु जी को हल्दी का तिलक लगाएं। ओम एम क्लीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यकीन मानिए, इसे सुई हुई किस्मत भी जाग जाती है। गुरुवार के दिन हल्दी के गांठ को बाजू या गले में बांधने से ये पीले पुखराज की तरह काम करते हैं। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति इससे मजबूत होती है। दोस्तों, कोई कितना भी कहे पैसा क्या चीज है, कोई भी कमा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन की बातों पर आएंगे तो अनुभव यही होता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है धन की कमी। आज के दिनों में पर्याप्त धन के बिना जीवन यापन असंभव है, आपने भी अनुभव किया होगा। ऐसे में एक लाल मोरी धाने में एक हल्दी के गांठ को बांध दे, इसे भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रख दे। विष्णु जी से धन की मुश्किलें दूर करने की प्रार्थना करें। फिर इस गांठ को आप अपने कार्यस्थल या घर के धन रखने के स्थान पर रख दे, आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। और एक छोटा सा उपाय, किसी भी गुरुवार के दिन आप एक कागज लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दे, उसकी पुरिया बना ले, और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके आपके घर में उनकी जो तस्वीर या मूर्ति है उसके पीछे छिपा कर रख दे। धन संबंधी परेशानी हो, शादी विवाह की समस्या हो, वास्तु आवान को लेकर कोई मनसा हो, उसको पूर्ण करने की प्रार्थना करें। जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तब इस हल्दी को आप तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दीजिएगा। जीवन की हर तरह की समस्या से मुक्ति पाने के लिए हल्दी का ये उपाय शीघ्र फलदायी है। आखिर में एक ही बात बताना चाहेंगे दोस्तों, ग्रहों की स्थिति और उनके परिणाम तो बदलते ही रहेंगे। उनकी स्थिति आपके लिए कभी शुभ होगी तो कभी अशुभ परिणाम देगा, लेकिन आप अगर ये उपाय नित्य रूप से करते रहेंगे तो संकट आपको छू नहीं पाएगा। बड़े से बड़ा संकट आने वाला भी हो तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इसलिए इस गुरुवार को ही नहीं बल्कि हर गुरुवार को इन उपायों को करते रहें। अपने ऊपर गुरु की प्रभाव को शुभ फलदायी बनाएं, उसका पूरा लाभ जिंदगी भर आपको मिलता रहेगा। आशा करते हैं कि बृहस्पतिवार को किए जाने वाले हल्दी के उपायों से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।